जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली मेरा उन बच्चों के लिए है जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे स्पेशली सारी की सारी अपनी पिक्स या प्रॉब्लम भेजी है मेडिकल में। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं इस बात का विशेष ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहाँ पर आज मैं जितनी भी पिक्स लेके आया हूँ इनमें से कई पिक्स ऐसी होगी जो आपको भी प्रॉब्लम होगी। जरूरी नहीं है कि आपने मेरे को अपनी प्रॉब्लम्स की पिक्स नहीं शेयर की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं, आपको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए लाडलो सभी ध्यान रखें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्या इनमें से अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है, क्योंकि इनमें से कई ऐसे इलाज है जिनका कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज आसानी से हो सकता है, ठीक है। फिर भी ये बच्चे चिंतित है उस चीज़ को लेकर और SSC GD की तैयारी करने में, या इनका दिल नहीं लग रहा है, या ये इतने घबराए हुए हैं कि क्या ये मेडिकली फेल हो जाएंगे। आप भी ध्यान रखिए, अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेडिकल पॉइंट जो सामान्यतः सब में पाए जाते हैं, यानी चाहे लड़के हो चाहे लड़के हैं, ये कमी ये विकार सब में पाए जाते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जिनमें आपको मेडिकल पॉइंट मिल जाता है सीधा, और किन बीमारियों में मेडिकल पॉइंट नहीं मिलता, या किनका इलाज पॉसिबल है किनका नहीं, वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारी पिक्स लेके आया हूँ हर एक आपके शरीर के हर एक पार्ट से रिलेटेड। तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। साथ ही दोस्तों अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या RPF कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक कमांडो अकेडमी का बैच ज्वाइन नहीं किया तो प्ले स्टोर से आप कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और SSC GD की तैयारी या आर्मी की तैयारी या RPF कॉन्स्टेबल की तैयारी मेरे साथ कर सकते हो। लाट लो, सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आप सामने जो कुछ पिक्स दिख रही है वो स्पेशली है आईज के लिए। दोस्तों देखिए, इसमें और इस दो आईज, ये किसी दो बंदों की पिक है, किसी एक की नहीं, दो बंदों की पिक है, दोनों में बीमारी एक ही प्रकार की है। इनका देखिए यहाँ से कुछ रेड रेड हो रहा है, यानी आंख में मांस पड़ने की कुछ बीमारी है, किसी का जो ब्लड होता है वो कुछ ज्यादा ही दिखाई देता है। तो क्या इस कंडीशन में आपको आईज में मेडिकल फिट करेंगे या नहीं, तो मैं दोस्तों बता दूं SSC GD में आप मेडिकली फिट हो जाओगे। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको घबराना नहीं है, आप SSC GD में मेडिकली फिट हो जाओगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर इनके सर पे एक कट मार्क लगा हुआ है जिसपे टांके भी लगे हुए हैं, यहाँ पर एक कट मार्क है जिसपे 4 से 5 या 6 से 7 टांके भी लगे हैं, इसके 3 बच्चे के लगे हुए हैं। अगर आपके आपके भी लगे हैं टांके तो इसमें कोई मेडिकल अनफिट नहीं करेगा, यानी मेडिकली आप फिट हो जाओगे। देखिए इनके आंख में तिल है, दोस्तों आर्मी का तो मैं नहीं बोल सकता, बाकी SSC GD में ये मेडिकली फिट हो जाएंगे, क्योंकि SSC GD में अगर आपकी आंख में हल्का फुल्का तिल है और आपकी आई 6x6 है, ठीक है, आपको पता करना कि आपकी आई 6x6 है या नहीं, तो मेरा दूसरा चैनल है कमांडो फिजिकल टिप्स, उस पर जाके वीडियो देख सकते हैं, ओनली स्पेशली आईज के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आर्मी का मैं नहीं बोल सकता क्योंकि आर्मी में कई बार इसमें पॉइंट दे देते हैं और बाहर भी कर देते हैं, 90% चांस रहते हैं, 90 क्या ज़्यादातर बाहर कर देते हैं, लेकिन SSC GD में आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपकी आई 6x6 है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो उंगली है ये कुछ मुड़ी हुई है, लेकिन ये उंगली जो है काम पूरा कर रही है, मैंने इस बच्चे से बात की थी, ये उंगली काम पूरा कर रही है। इसी प्रकार के 2-4 बच्चों की मेरे पास पिक आई थी, उन सबसे अगर आपकी उंगली इस प्रकार से पूरा काम कर रही है तो SSC GD में आप मेडिकली फिट हो सकते हैं। कान पे यहाँ पे देखिए ये मुड़ा हुआ है, ये कोई भी मेडिकल पॉइंट नहीं है, आप मेडिकली रूप से बिल्कुल फिट है। अगर आपका भी कान मुड़ा हुआ है या कान का कोई हल्का फुल्का सर्जरी हुआ है या कान आपने ऑपरेशन से ठीक कराया, पीछे की तरफ आपके उसके स्टेज है, तो आप उसको मेडिकली अनफिट नहीं करेंगे SSC GD में। आर्मी में बिल्कुल आप मेडिकली अनफिट हो जाओगे, इस कंडीशन में भी आप आर्मी में मेडिकली अनफिट हो, SSC GD में आप पास हो सकते हो, इस कंडीशन में आप आर्मी में भी पास हो सकते हो। चलिए अगली पिक में आपको शेयर करता हूँ, ये है टीथ की। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है सामान्यतः मुँह में, ये मुंह ऐसा हिस्सा है इंसान के सबसे ज्यादा रोग यहीं पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे दिन चलता रहता है। तो आप भी देखिए आपके कौन से टीथ इसमें पास हो जाएंगे कौन से नहीं। देखिए दोस्तों इस कंडीशन है, इसमें आपको बिल्कुल मेडिकली अनफिट कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर की जो टीथ है वो ही नहीं है, ठीक है, और ये बिल्कुल खाली है, तो इस कंडीशन में आपको मेडिकली अनफिट कर देंगे टीथ में। ये देखिए इनका मुंह नहीं खुल रहा है, इस कंडीशन में भी आपको मेडिकली अनफिट कर दिया। अगर मेडिकल के समय आपका मुंह नहीं खुला तो आपको मेडिकली अनफिट कर देंगे, इस कंडीशन में आप मेडिकली पास है। SSC GD में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आर्मी में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, SSC GD में आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन आर्मी में होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी इस प्रकार के टीथ है या इस प्रकार के टीथ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक्स्ट्रा टीथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये जो टीथ है इनकी आप देखे हो, ये नोक पे हल्की हल्की सी स्वेलिंग सी टाइप की और की, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आपको टीथ की कुछ और पिक्स दिखाता हूँ, देखिए ये टीथ देखिए, ये पूरा पूरा वर्स्ट है। ऐसी कंडीशन में अगर आपका टीथ दिखा चाहे आर्मी हो चाहे SSC GD हो, आपको डायरेक्ट मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए इनके भी दांत कुछ सड़े हुए से नजर आ रहे हैं,
अगर आपके ऐसे रहे मेडिकल के समय तो आपको मेडिकल रिपीट कर देंगे, एसएससी जीडी में आपको मेडिकली पास कर देंगे, लेकिन आर्मी में आप मेडिकली पास नहीं हो पाओगे अगर आपके टीथ इस प्रकार के हैं तो। अगर आपके टीथ इस प्रकार के हैं आप एसएससी जीडी में मेडिकली पास हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनके टीथ में बीच के टीथ में थोड़ा सा गैप है, आप मेडिकली फिट हो सकते हो एसएससी जीडी में। लाडली अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो करते रहिए, इसमें मेडिकली अनफिट कर देंगे। अगर आपके दांतों की यही कंडीशन रही आप इसमें सुधार करा सकते हो, मशीन से साफ करा सकते हो, और उसके बाद में गुटखा देता खेनी इसको छोड़ दीजिए लाड दो। इस कंडीशन में आप इसमें पास हो सकते हो, आप आर्मी में इसमें भी मेडिकली अनफिट हो जाओगे लेकिन एसएससी जीडी में पास हो जाओगे लाड दो। आपकी यहाँ पर देखिए इनकी दाढ़ नहीं है, इसको कीड़ा खा गई। अगर आपकी यही कंडीशन रही तो आप मेडिकली 100% अनफिट हो जाओगे लाड दो। अगर आपके भी दांत में कीड़ा लगा है तो आप उसका जल्दी से इलाज करा लीजिए, उसका जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसका जो भी दवाइयाँ हैं या जो भी उसका इलाज कराना करा लीजिए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। ठीक है लाड दो। चलिए अगली मैं आपको और पिक दिखाता हूँ। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है टीथ टीथ की। देखिए ये टीथ टीथ की प्रॉब्लम है, इसका मैं बता चुका हूँ आपको, इन सब के बारे में मैंने बता दिया, अलग से कुछ है नहीं। ये देखिए इनका बारे में मैंने आपको बता दिया, इन सभी टीथ के बारे में अलग इनमें। ये देखिए पूरा का पूरा कीड़ा यहाँ पे टीथ है ही नहीं, इस कंडीशन में आपको मेडिकली अनफिट ही किया जाएगा। ठीक है, आपका पूरा टीथ चला गया है। हाँ, ये डिसबेलेंस की वजह से अगर है तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाड लो। अब देखिए हाथों में, ये देखो हाथ की ये कंडीशन है, इसमें आपको ऐसे जीडी में कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इनका जो नाखून है ऊपर से कटा हुआ है तो उसका मेडिकल पॉइंट मिल सकता है। मैंने ये फोटो पिक पूरी देखी, यहाँ पर नहीं आई, इनका नाखून ऊपर से इस प्रकार से उंगली बीच में से कटी हुई है, उसकी वजह से मेडिकल पॉइंट आ सकता है। ये मेडिकली पास है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपकी ऐसी कंडीशन है। ऐसी कंडीशन है तो भी मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाड लो। इस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस कंडीशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लाड लो। एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी के लिए स्पेशली इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आपको भी ऐसी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तैयारी करिए दिल लगा के, ये सभी मेडिकल पास है अगर आपकी ऐसी कंडीशन है तो। ठीक है, ये देखिए इस कंडीशन में, देखिए ये जो कंडीशन है आर्मी में आपको सीधा ही रिजेक्ट कर देंगे लाड दो। इनके जो है ये यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर ये खड़े होकर पिक भेजते तो ज्यादा मैं बेटर बता पाता। दोस्तों देख लीजिए, अगर आपको भी इस प्रकार का स्ट्रेचिंग मार्क है, या आपको भी इस प्रकार का स्ट्रेचिंग मार्क है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, तो ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाथ का एंगल इस प्रकार से है तो ये भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऐसे जीडी में कोई फेल नहीं करेगा। इस कंडीशन में उंगलियां इस प्रकार की है तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है इनमें कहीं पे भी। आप ऐसे जीडी में अगर आपकी उंगलियां इनमें से कैसी भी दिखती है तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, चलिए जी आगे। ये हाथ की कुछ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है, देखिए ये विकारी कोई रोग नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हाथ में ये देखो इन्होंने टैटू बना रखा है, तो टैटू अभी अलाउ है एसएससी जीडी में। आर्मी में आपको मेडिकल अनफिट कर देंगे इसमें, लेकिन एसएससी जीडी में अलाउ है। और अगर आपको बाय चांस अगर रीमेडिकल दिया जाता तो आप उसमें ये टैटू मिटा के पास हो सकते हो। इस कंडीशन में आपको पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि आपकी जो ये उंगली है पूरी की पूरी फोल्ड है। इस कंडीशन में आपको मेडिकल पॉइंट मिल सकता है, अगर आपका भी ऐसा है तो मिल सकता है। अगर इसका इलाज करा सकते हो तो बिल्कुल करा लीजिए। ठीक है लाडू, इसके बाद में चेस्ट इनका दबा हुआ है एक साइड से, तो इसमें एसएसजीडी में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जला हुआ है, एसएसजीडी में प्रॉब्लम नहीं होगी। आर्मी में तीनों कंडीशन में प्रॉब्लम है, इस कंडीशन में भी एसएसजीडी में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी। एसएसजीडी में आप सभी पास है दोस्तों। अगर आप भी एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हो और आपका भी कुछ इस प्रकार की आपको भी जला हुआ है कहीं पे भी, या आपके भी स्ट्रेचिंग मार्क है, या इस प्रकार से आपके चेस्ट दबा हुआ है, या यहाँ से इस बच्चे का दबा हुआ वैसा, तो एसएसजीडी में आपको मेडिकली पास कर दिया जाएगा लाड। ठीक है, लेकिन किसमें नहीं किया जाएगा, किसमें नहीं किया जाएगा, आर्मी में। यहाँ पे देखिए फुट की, यहाँ पर फुट की पिक्स देखिए आप, ये फ्लैट फुट का चांस है इसके, अभी दिख नहीं रहा अच्छे से। अगर फ्लैट फुट की है तो ये देखिए इस प्रकार के पॉइंट है, तो आर्मी में आपको मेडिकली अनफिट कर सकते हैं। ठीक है, आर्मी में आपको मेडिकली अनफिट कर सकते हैं, बाकी एसएससी जीडी में आपको इसमें मेडिकली अनफिट नहीं करेंगे। वेरिकोनस वेन जिनकी बाहर निकल रखी है, आपको एसएससी जीडी में कोई मेडिकली अनफिट नहीं करेगा। एसएससीडी में कोई मेडिकली अनफिट नहीं करेगा लाड लो, इसके लिए आप चिंतित ना हो जी। ठीक है, ये देख लिए उंगलियां इस प्रकार की, एसएससीडी में आपको मेडिकली अनफिट नहीं करेंगे। इस प्रकार की उंगलियां, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन मेडिकली अनफिट नहीं करेंगे, आप ध्यान रखिए इस बात का। यहाँ पर देखिए उंगलियां इस प्रकार से, तो इसकी वजह से आपको एसएससीडी में मेडिकल अनफिट नहीं करेंगे, ध्यान रखिए लाड लो। अगर आपकी भी इस प्रकार की प्रॉब्लम है, इस कंडीशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ये जो कंडीशन है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इनकी नोकनी टच नहीं हो रही है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है लाड लो, ध्यान रखिए इस बात का कि आपको भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। ये कुछ पेयर्स की फोटो और है, ये तो पक्का पॉइंट है जी, इसमें तो मेडिकली अनफिट होना ही होना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये पक्का पॉइंट है जी, आप इसको ठीक कर लीजिए। नौकरी के लिए मैंने एक्सरसाइज बताई कमांडो फिजिकल टिप्स चैनल पे, आप जरूर जाके करिए। ये भी प्रॉब्लम है लाड लो, ये तो ऊपर से पूरी पिक नहीं भेजे, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है लाडली। अगर आपको भी ऐसी कुछ उंगलियां उंगलियां हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो एसएससी जीडी के मेडिकल में आपको भी हो सकती है। ध्यान रखिए जिन प्रॉब्लम के बारे में मैंने बताया ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी, तो वो बच्चे उनको ठीक करा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जैसे नोकनी हो गई, इनकी एक्सरसाइज मैंने बता रखी है कमांडो फिजिकल टिप्स चैनल पे, आप वहाँ जाके जरूर देखिए लाड। जय हिंद जय भारत।